डिक्टेशन की 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। महोदय, मेरे लिए जिसने विज्ञान को बाहर से महसूस किया है, यह असमंजस की बात है कि इसके बारे में उन लोगों से कुछ निवेदन करूं जो इसकी विभिन्न शाखाओं में पारंगत विज्ञानी हैं, लेकिन मैंने आपका निमंत्रण इसलिए स्वीकार किया, इससे मुझे विज्ञान जगत के साथ संपर्क करने का मौका मिलता है। आपने इस अधिवेशन के लिए एक महिला वैज्ञानिक को अध्यक्ष चुना है, इसकी मुझे खुशी है। मुझे आशा है कि आप मेरी इस प्रसन्नता के लिए मुझ पर नारी जाति का पक्षपात करने की बात नहीं सोचेंगे। यह अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष की अच्छी शुरुआत है। सबसे महत्वपूर्ण विज्ञान है जीव विज्ञान। ज्ञान के अन्वेषण का क्रम अनंत है। उसकी दो प्रेरणाएं रही हैं। पहली प्रेरणा तो मनुष्य की अस्तित्व बनाए रखने की चिंता या जिजीविषा रही है, और दूसरी उसकी चिर अतृप्त ज्ञान पिपाशा रही है। इन दोनों में कोई टकराव नहीं है, वे कभी कभी समानांतर चलते रहे हैं, परंतु अनेक बार वे एक दूसरे में मिल गए हैं और दूसरे की परितृप्ति करते रहे हैं। एक से व्यावहारिक विज्ञान का उदय हुआ और दूसरे से मूल विज्ञान का। भारत में हमें इन दोनों की आवश्यकता है। जब हम अधिसंख्य लोगों के जीवन यापन के स्तर को ऊंचा उठा पाएंगे, तभी हम थोड़े से प्रतिभाशाली लोगों के लिए उच्चतर लक्ष्यों की प्राप्ति के वास्ते संतोषप्रद वातावरण का निर्माण कर सकेंगे। आज विश्व में प्रबल विचार मंथन हो रहा है और मनोवृत्तियों पर प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं। प्रगति के बावजूद आज के जीवन की तीव्रतर गति और प्रतिस्पर्धा के कारण मनुष्य के लिए अपने पड़ोसियों के साथ या अपने आप में शांति के साथ रह सकना कठिन हो रहा है, और उसे अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। हालांकि यह एक भिन्न ढंग का और भिन्न स्तर का संघर्ष है। आज खतरा असभ्य एवं सबल आक्रांताओं की ओर से नहीं है, बल्कि उन परिपार्श्विक प्रभावों से है जो मनुष्य ने अपने ही सुख साधनों को विकसित करने के क्रम में उत्पन्न किए हैं। ये प्रभाव हैं अलगाव का एहसास, तनाव पैदा करने वाली परिस्थितियां, प्रदूषण तथा प्राकृतिक साधनों का विचारहीन दोहन। यह एहसास धीरे धीरे किंतु निश्चयात्मक रूप में प्रगतिशील लोगों के विचारों का अंग बनता जा रहा है और विश्वव्यापी चर्चा का विषय बन गया है। लेकिन ऐसे लोगों और विचारों की प्रायः उनके द्वारा खिल्ली उड़ाई जाती है जो उन चीज़ों के निर्माण में लगे हैं जिनका प्रभाव कालांतर में हानिकर हो सकता है, और उन लोगों द्वारा भी जो वायु या जल प्रदूषण को बचाने के लिए अपने कारखानों को नए सिरे से जमाने की चिंता नहीं करना चाहते। यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमने औद्योगिकरण का सिलसिला एक ऐसे समय में शुरू किया है जबकि वह पहले की अपेक्षा कहीं ज़्यादा खर्चीला और जटिल है। महोदय, कुछ दिन पूर्व मैं
अपने शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट वाले घटना स्थल की यात्रा पर गई थी। मैं एक बार फिर कहना चाहूँगी कि हमारे परमाणु वैज्ञानिकों ने जो सफलता पाई है उसके लिए राष्ट्र अपना आदर व्यक्त करता है। वह समर्पित भावना, दक्षता और साथ मिलकर काम करने का उज्जवल उदाहरण था और यह काम बिना शोर शराबे की बड़ी खूबी के साथ पूरा किया गया। परमाणु ऊर्जा आयोग इसके निष्कर्षों की छानबीन कर रहा है और उसकी आरंभिक रिपोर्ट शीघ्र मिलने की आशा है। मुझे विश्वास है कि वैज्ञानिक समुदाय को देश की अपेक्षा और भी ज़्यादा प्रसन्नता हुई है। जो अनेक बधाई संदेश मिले हैं उनमें इस तथ्य को विशेष रूप से रेखांकित किया गया है कि इस प्रयोग ने सिद्ध कर दिखाया है कि हमारे वैज्ञानिकों को अगर एक निश्चित काम सौंपा जाए और उन्हें लगातार सरकार की सहायता मिलती रहे, खास तौर पर प्रबंध के बारे में लचीलापन बना रहे और फिर उन्हें तकनीकी समस्याओं को विश्वास के वातावरण में सुलझाने दिया जाए, तो वे क्या कुछ सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यह सरकार के लिए एक सबक है। वैज्ञानिक समुदाय को भी अपनी उदासीनता त्याग देनी चाहिए और सरकारी प्रयास के साथ साथ उत्साहपूर्वक आगे बढ़ना चाहिए। भारतीय वैज्ञानिकों के लिए जो प्रमुख प्रेरणा हो वे भारतीय विज्ञान के इस बृहत्तर उद्देश्य से बचकर आगे नहीं बढ़ सकते कि उन्हें पहले एक ऐसे आधुनिक समाज का निर्माण करना है जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त और अंधविश्वास तथा संकीर्णता से मुक्त हों। हमारे आलोचक चाहे कुछ भी क्यों ना कहते रहें, हमें अपना मुख्य ध्येय हमेशा अपने सामने रखना है और वह है गरीबी हटाना। क्या कृषि की पैदावार बढ़ाने, परिवार कल्याण कार्यक्रम को ज़्यादा असरदार बनाने, संचार साधनों का विकास करने, तात्कालिक मसलों के हल के लिए वैज्ञानिकों की योग्यता का लाभ नहीं उठाया जाना चाहिए। इन क्षेत्रों में हमारे देश में काफ़ी काम किया जा चुका है लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना शेष है और अनुसंधान कार्य को तेज किया जाना चाहिए। हमारा ध्यान परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण और लाभदायक प्रयोग की ओर बरबस खिंच जाता है। क्या हम अपने साधनों और अपने ऊर्जा भंडार को बढ़ाने के लिए इसकी महान संभावनाओं की अनदेखी कर सकते हैं? हम घटनाओं को एक खास ढंग से ही घटने के आदेश नहीं दे सकते, परंतु हम उनके प्रति अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। पिछले साल इन दिनों हमने तेल और मुद्रा संकट के आरंभिक परिणामों को महसूस किया था। तेल, उर्वरक और अनाज के भाव विश्व की मंडियों में तेजी से बढ़े हैं। हमें देश के अंदर ही तेल के नए क्षेत्रों का पता लगाने के लिए अपनी समस्त वैज्ञानिक प्रतिभाओं को एकजुट करना होगा। वैज्ञानिकों और तकनीकी विशेषज्ञों का समुदाय राष्ट्र के वैज्ञानिक और तकनीकी प्रयासों पर सरकार की कुछ आर्थिक नीतियों के प्रभाव के बारे में चिंतित हैं। गत 18 महीनों में हमारी पहली प्राथमिकता रही है
मुद्रा स्फीति पर नियंत्रण पाना। स्टॉप। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसी तरह की और डिक्टेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें और शॉर्ट हैंड की तैयारी कर रहे अपने सभी मित्रों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। स्टूडेंट्स, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, अगर आपकी शॉर्ट हैंड स्पीड नहीं बढ़ रही है तो आप हमारे एडवांस आउटलाइन के साथ डिक्टेशन को परचेज कर सकते हैं।